2008 में डायग्नोज हुआ था कि मेरे किडनी की प्रॉब्लम है। देन 2018 में मार्च में अगेन मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा, और उसके बाद मैंने दोबारा अपने आप को रजिस्टर कराया मैक्स हॉस्पिटल में। फिर 18 से लेके 20 तक मेरा डायलिसिस चलता रहा सितंबर तक। तो सितंबर को ही आई थिंक 11 सितंबर को रात को मुझे कॉल आया कि कैडेवर की किडनी आई है, जिसकी जो एज है लेडी की अराउंड 86 है। तो ऑफकोर्स एज ए लेमैन मैंने सोचा थोड़ा कि मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, परिवार वालों ने भी सोचा। तो अनंत कुमार हमारे सर्जन हैं जिन्होंने पहले भी ट्रांसप्लांट किया था, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि विनीत देखिए हम ऐसे किडनी आपको नहीं लगाएंगे, सारे टेस्ट करेंगे, उनका क्रिएटिनिन वैल्यू और भी जो भी हमारा पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो परफेक्ट हैं और किडनी का साइज़ और शेप परफेक्ट है तो आप आइए। एंड वी टुक आउट द किडनी एंड द किडनी इज़ वेल रिलेटिव लिटिल स्मॉल बट वी पुट बोथ द किडनी इन हिम, ही डिड वेरी वेल। ऑन थर्ड डे हिज क्रिएटिनिन वाज 1.2, नाउ हिज क्रिएटिनिन इज 1 एंड टुमारो इज द 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे एंड ही विल बी डिस्चार्ज एंड पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी दैट ही हैज गॉट द किडनी एंड हिज फंक्शंस आर गुड। तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। सबसे बड़ी बात है वो सीधा आपको ट्रांसप्लांट के लिए नहीं बोलेंगे, पहले वो कहेंगे कि अगर वो वैसी मेडिसिन से ठीक कर दें, अगर नहीं होगा तो उसके बाद वो ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। सारे टेस्ट आपके करवाएंगे, जो डोनर है वो प्रेफर्स होता है पहले आप घर से लीजिए, अगर घर से नहीं मिल रहा देन वो बोलते हैं कि आप कैडेवर बाहर से रजिस्टर कराइए, कोई केस आएगा तो हम बताएंगे आपको। कोई भी उनसे किसी भी टाइम रात को 12 बजे 2 बजे आप कॉल कीजिए, वो हमेशा रेडी रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। और जैसे भी हमारा ट्रांसप्लांट हो रहा था बीच में वो आपको देखने आएंगे, आपको सजेशन देंगे कि बेटा दवाई खाते रहना, इधर उधर का बाहर का नहीं खाना, प्रिकॉशन सारे बताएंगे। तो दे आर वेरी हेल्पफुल। उनका एक नेचर, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि वो डॉक्टर हैं, ऐसा लगेगा कि हमारी फैमिली में से एक जो हेड ऑफ फैमिली है, इस तरह से उनका नेचर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छे करते हैं। तो पूरी टीम वर्क है, साथ में एक रंगील सिंह है उनकी टीम में कोऑर्डिनेटर, उसने भी काफ़ी हमारी हेल्प करी हर जगह। तो मतलब एक टीम का जो एफर्ट होता है वो अनंत सर की टीम में हमेशा दिखता है, और भी महेश्वरी सर हैं, रुचि महेश्वरी सर हैं उनकी टीम में। तो पूरी टीम मेरे को एक घर के सदस्य की तरह लगी, कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये लोग डॉक्टर हैं और मैं पेशेंट हूँ। कदम कदम पे काफ़ी इन्होंने हेल्प भी करा हमारा, तो वेरी थैंकफुल टू अनंत सर एंड टीम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.